बहू के लिए पैसा है, हमारे लिए पैसे नहीं, कच्चा भी दिखाओगी क्या? कौन से आई एम मंत्रा, आई एम सर्फ वाला पानी भी आ गया है, जूते भी इतने सारे हैं। ओ, मैं जल्दी बड़ी नहा के लेटी हूँ, मैं नहा दोगे, नहा दोगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी फिलहाल का सीन तो कुछ ऐसा कि आज है वीकेंड। फिलहाल देखो एक चीज, अभी मैं सुबह उठा है ना, फिर से हमारा एक सीजन तो खत्म हुआ अभी लेटेस्ट बिग बॉस का, जिसमें कि एमसी स्टैन जीत गया पी टाउन बॉय। अब हमारी मम्मी और भाभी सुबह सुबह उठ के देखती हैं, वो एक सीजन आया था ना किसका, सिद्धार्थ शुक्ला वाला। अब देखो अब वो चल रहा है, मतलब भैया बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। क्या काम है? हाँ ऐसा नहीं चाहिए मुझे, इंटरेस्टिंग चीज में क्या भैया करेंगे, गरीब इंसान इंजीनियर लोग हैं। ठीक है चलो, फिलहाल फिर मिलते हैं अभी आपको चाय पे, जब चाय बन के आते पता ना कब आएगी। वैसे तो बिग बॉस में बिजी है भैया लोग वाग। अब देखो खुद बोला इन्होंने मुंह से, अब देखो टाइम क्या हो रहा है, पौने नौ। बताओ घर की बहू पौने नौ बजे उठ रही है, क्या ही होगा है? मैं जल्दी पड़ी लेटा तो लेटा होता है, क्या करूँ फिर बता, उठ के करूँ का दोनों यहाँ पे बस। और बोल दे गैली बराबरी करते हैं, धमकरा लगने वाला है। मैं धमकरा तुम मेरा बस की ना कुछ भी, छोटी सासू माँ जो है ये कोई घर का मंत्रा थोड़ी है, जैसे बड़े भ्राता श्री ऐसे छोटे भ्राता श्री है। आई एम मंत्रा, आई एम अम्मा के पता सो सुबह लड़काई को रे पापा और तुम भाई साहब सुबह सुबह 5 बजे हमारे पापा कितना भी समझाना, पापा बोले बिना नहीं मानते, जाते जाते ज्ञान देंगे। मैं लगा दूंगा नंबर, मेरे तुम कैसे लगा दोगे नंबर? चलो तो चलो यार, अभी हमारी चाय भी आ चुकी है, और चाय भी मतलब अभी मैं सो के उठाऊं कटोरी भर के देखो नाश्ता ही दे दिया। और देखो आज पहली बार मेरा व्लॉग चल रहा टीवी में, देख रहे हो कभी कदा चलाते मेरे को, तो फटाफट से चाय पीते हैं, फिर जो काम बोला इन्होंने वो करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे, 10:30-11 बजे से करेंगे, अभी नहीं, अभी तो सुबह सुबह उठ गए, तो फटाफट से पहले चाय पी लें और नाश्ता कर लें। चलो गाइस अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 10, और मम्मी भाभी जा रही है घूमने भैया, जैसा हर हफ्ते पहले से पहले प्लान बना के रखती है, और हमें काम दे के जा रही है, कपड़े धो लेना, जूते धो लेना, काम करना हमारी मालकिन कर देंगे। मोहल्ले वाले पड़ोस के बता के मेरे नए कपड़े पहन गए, नई स्टॉल ओढ़ के जा रही है। निक सूट तो पुराना है, स्टॉल नया है, ठाकुर वो क्या नाम है सूर्यवंशम मूवी का सूर्यवंश कोला, किससे जा रही, कोला कह रहा हूँ मैं ओला से, ऑटो से, गरीब गरीबी आ गई क्या कर दे आज तक, मेरे मेरे से करोगी तो मेरे मतलब वैसे -60 रुपए गए हुए ओला के। तो चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपने जो हमें असाइंड वर्क है, वीकडेज पे हमें मैनेजर सर वर्क असाइन करते हैं वो फिनिश करना होता है, और वीकेंड्स पे हमारी मम्मी हमें इस काम असाइन करती हैं। तो अभी फिलहाल मम्मी और भाभी तो गई हैं गाजियाबाद किसी काम से, और ये देखो मम्मी ये बोल रही थी कि थोड़े से कपड़े हैं, और ये देखो इतने सारे कपड़े मुझे धोने हैं, और साथ में 5-4 जोड़ी जूते धोने हैं। एनीवे करते हैं, टाइम भी तो पास करने है कैसे ना कैसे करके, तो फटाफट से लग जाते हैं काम पे। टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है इस टाइम पे एग्जैक्ट 10:55, और तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, तो 1:30 बजे तक हमारा ये सारा काम निपट जाएगा, मशीन में कपड़े डाल के छोड़ देंगे और जूते साथ में धोते रहेंगे।
मैंने जो कपड़े तो धोने को डाल दिए हैं, अब बस एक काम रह रहा वो है ये, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कितने सारे जूते हैं। मैंने सोचा था चार जोड़ी में, लेकिन पांच जोड़ी जूते हैं, वो भी फटाफट से धोने। तो चलो यार, अभी फिलहाल जो है सारी तैयारी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं सरफ वाला पानी भी आ गया है, जूते भी इतने सारे हैं, और अपना हथियार भी ले लिया है मैंने, वो है ये बुरुस। तो वैसे आप लोग सोच रहे हो ये लगता साला जब से ब्लॉग बनाने लगा, नहीं ब्लॉग की बात नहीं है, वीकेंड्स पे मोस्टली जब भी मशीन लगती है तो कपड़े मैं ही देता हूँ। जब हम गाँव में रहते थे अभी एक साल पहले, तब भी उससे पहले जब हम गाजियाबाद में रहते थे उस टाइम पे भी मैं ही कपड़े धोता था, तो जूते वूते मैं ही धो देता हूँ। तो चलो यार, अभी फिलहाल कपड़े तो धुल चुके हैं हमारे, तो उनको जल्दी सुखा देते हैं, क्योंकि वैसे ड्राई हो चुके हैं, बस हल्के से उसको धूप लगेगी, हवा लगेगी, सूख जाएंगे, और इतने मम्मी आ जाएंगी तो फटाफट से जो मशीन लगी थी उसको साफ करते हैं उस जगह को। और अगर आपको सिनेमेटिक अच्छे लगे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि एक और आने वाला थोड़ा सा बढ़िया वाला सिनेमेटिक, तो फटाफट। चलो अभी फिलहाल जो है कपड़े धुल चुके हैं, जूते धुल चुके हैं, सफाई कर दी मैंने जो मतलब जगह खराब हुई थी ये वाली, इसको जगह झाड़ू पोंछा मार दिया, और देखो टाइम 1:45, और अभी तक हमारी मम्मी और भाभी की ना कोई कॉल आई है कि कितने बजे तक आऊंगी, कितने बजे तक नहीं। गाइस भाई छोड़ो, कहाँ से रह रहे तुम लोग, टाइम नहीं दिख रहा, लड़का भूखा रह रहा, कैसा रह रहा, चाय पराठे खाने पड़ रहे हैं, यूनिवर्सल डायलॉग है ये, क्या ढोकला, ओह नो, अब मैंने चाय पी ली, ये सब कर ले, इसमें क्या, अब मैंने देखो पांच परांठे खा लिए, उसके बाद स्टफ्ड चले गए, और देखो टाइम इनको आने का 2:40, और सुबह गए 9:00, अब होगी लड़ाई। तुम्हारे कच्चे आए तो मैं, मतलब हमारा कच्चा कच्चा किसको दिखाऊंगा मैं, इनके देखो कपड़े धनाधन, मम्मी बस कपड़े निकाल ही जा रही है इन्हीं के, बस दो स्टॉल है मेरे पास, शर्म ना आई तुम्हें, कर क्या रही हो घर पे इतने सारे कपड़े ला के। भाई भाई मतलब जो बंदे जॉब पे जा रहे हैं बाहर, उनके लिए आया कच्चा, दो स्टॉल मेरे बस, स्टॉल है। चलो भैया का भी कच्चा ही आया, कच्चे मुझे कच्चे मुझे कच्चे। चलो यार कुछ तो आ गया, बहू के लिए पैसा है, हमारे लिए पैसे नहीं, कच्चा भी दिखाओगी क्या, कौन से लाए हो। तो चलो यार अभी फिलहाल चाय तो बना ली, और टाइम जो हो रहा है वो देखो, हो रहा है 5:15, और भाई साहब बहुत ज्यादा सताया जा रहा मेरे को, घर में दो औरतों को रहते हुए मुझे चाय बनानी पड़ रही है, और दोनों मस्त सो रही है, कुछ होश नहीं है कि लड़के ने आज इतना काम करा है, थोड़ी सी तारीफ कर दूं, कुछ कर दूं, नहीं का काम करा, अभी दिखाऊंगा, अभी चाय पी के तब जाएंगे ऊपर से जूते उतारने, तब दिखाएंगे। हाँ धूप ना आती ना यहाँ पे बालकनी में हमारे, भूल धूप आती नहीं है ज्यादा, तो गीले रह जाते, तो ऊपर छत पे पता नहीं कहीं बंदर बंदर उठा के ले गया होगा ना, तो जूते मजे ही आ जाएंगे। कह रही ना काम ना करा, यूं कह के गई ना, दो बार के कपड़े पीछे भी जाके देख लो बालकनी में, देख ले यार, मैंने बोला था ना एहसान ही नहीं है कुछ भी, और अभी ना कुछ जूते सूखे नहीं है, मैंने गलती से ऐसी जगह रखा जूते जहाँ धूप चली गई थी, तो बस एक ही जोड़ी जूते सूखे वो ये वाले, कोई नहीं इनको भैया कल पहन के चला जाएगा, फिर जो आज भैया पहन कर गया मेरे वाले जूते, मेरे फरारी के, उनको मैं कल धो दूंगा।